तो इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस का प्रूफ है पीवी रेज टू पावर गामा इज अ कांस्टेंट, कहां से आया ये आपको याद नहीं करना ना आपको देखना है। आप लिख सकते हैं कि नॉट इन, जो भी इसको फाइनल के लिए नहीं करना आपने, बस 2 मिनट स्टेप देख लो। फर्स्ट लॉ लगाओ किसी गैस के लिए, क्योंकि प्रोसेस एडियाबैटिक है तो देखते डी क्यू को क्या पुट कर दो, जीरो। डी क्यू जीरो करते ही डी यू में 1 मोल के लिए 1 CVDT, जहां डी यू है वहां सी वी यूज करते हैं, और डी डब्ल्यू की जगह पी डी वी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। किसी भी परफेक्ट गैस के लिए 1 मोल के लिए पी वी इक्वल टू आर टी, इसको डिफ्रेंशिएट करें। एडियाबैटिक में पी वी टी तीनों वेरिएबल्स हैं, तो पी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पी इज आर इंटू डी टी बाई डी टी 1 है। तो यहां से एलसीएम लेके डी टी को राइट साइड पे लेके जाके आर को इससे डिवाइड करें और डी टी की वैल्यू निकाल लें। इस डी टी की वैल्यू को यहां पुट कर दें, तो ये मैंने पुट की, फिर से एलसीएम ले आर और इसको अरेंज ऐसे करें, इसका ब्रैकेट को ओपन करें, इसमें से पी डी वी को कॉमन निकाल लें, सी वी प्लस आर सी पी होता है, ये इक्वेशन आ जाती है। दोनों साइड्स को सी वी इंटू पी इंटू वी से डिवाइड करें, दोनों साइड्स को जब डिवाइड करेंगे पी सी वी पी और वी से पी कैंसिल, सी वी वी और वी कैंसिल, तो आपके पास ये टर्म बचेगी। दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन करें, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन आएगा, इंटीग्रेशन करें, गामा इंटू 1/dv की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ वी है, 1/pdp लॉग पी है, और जीरो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन के है, क्योंकि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की जीरो है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। गामा ऊपर आ गया, मैथ्स का रूल है, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म करें, लॉग का बेस ई है, लॉग जब हटेगा तो ई रेज टू पावर के विच इज अ कॉन्स्टेंट, तो पी वी इज अ कॉन्स्टेंट आएगा, पेपर में नहीं आएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है।